Hello, alaikum dear students, I hope you are all fine. So today we are going to discuss about the very important and leading degree of Pakistan which is BS Sociology. इट्स अ वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि बी एस सोशोलॉजी के बारे में हमें बताएं तो मैंने सोचा कि वाकई ही इस डिग्री को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिग्री जो है आपकी माशरे की अक्सी करती है ये रिप्रजेंट करती है कि आप किस सोसाइटी से हैं उसकी नॉर्म्स के बारे में स्टडी करती है तो मैंने सोचा कि इस डिग्री पर ज़रूर बात होनी चाहिए सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट तो आई होप तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली मकसद क्या है सोशोलॉजी का सोशोलॉजी का मतलब क्या है और आखिर इस डिग्री का एम क्या होता है पर्पस क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशोलॉजी एक बिहेवियर साइंस की डिग्री है बिहेवियर uh, साइंसेज में तीन टाइप की डिग्रीज आती हैं जिसमें हम मैथ्स कॉम होती है सोशोलॉजी होती है जेंडर स्टडीज़ होती है इस तरह के साइंसेज होते हैं एक साइंस होती है जो बायो कैमस्ट्री फिज़िक्स वाली होती है एक साइंस होती है जो बिहेवियर साइंस होता है जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उससे जुड़े हुए उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो सोशोलॉजी के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करते हैं बेसिकली सोशोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी को कमी कम्युनिटी को और तमाम तर ऐसे एस्पेक्ट्स को जो आपकी सोसाइटी की कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करवाता है सोशलिज़म कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिकली उसके बारे में भी बताता है Uh, ख्वा आपका कोई भी एस्पेक्ट हो पॉलिटिकल हो इकनॉमिक हो, हो या ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट हो या फिर इवन आप लोगों के सोसाइटी की सोशल एस्पेक्ट्स भी हो उसको भी ये पढ़, उसमें भी आप इसके बारे में भी पढ़ते हैं और आप लोग बताते हैं कि सोसाइटी किन किन चीज़ों पे मबनी होती है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है तमाम तर नॉर्म्स के बारे में भी आप लोग स्टडी करते हैं और जो स्टीरियोटाइप नॉर्म्स हमने ख़ुद से भी बनाए हैं सोसाइटी को चलाने के लिए उसको भी ये हट कुछ हटा के आपको रियलिटी के बारे में बताता है और सोशलिज्म कैसे रहते हैं और पहले वक्तों में सोसाइटीज़ सु, कैसे होती थी और अब के वक्तों में कैसे होती है उसके सब डिफरेंस भी बताता है तो बेसिकली ये होगी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन सोशियोलॉजी के बारे में ठीक है तो ये बेसिकली इस डिग्री का पर्पस होता है एक प्रॉपर मकसद होता है अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिग्री को ऑफ़र करवाती हैं वैसे तो बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिग्री को डिग्री में बैचलर्स करवाती हैं क्योंकि बहुत ही वेल नोन डिग्री हो चुकी है पाकिस्तान की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपेयर होते हैं और उसको पढ़ना पसंद करते हैं तो आप लोग लिस्ट देख सकते हैं कि पंजाब सिंध के पी के और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मैंने लिस्ट बनाई है सबसे पहले अगर हम पंजाब की तरफ नज़र डालें तो ये चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं मगर ये चंद लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ़ द पंजाब लाहौर है वहाँ सोशोलॉजी बहुत अच्छा करवाया जाता है मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वहाँ वाकई ही सोशियलॉजी की जो डिग्री है बहुत अच्छी करवाई जाती है उसके बाद यू है लीड्स यूनिवर्सिटी है एल है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं खास तौर तो पे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं जिनकी फ़ीस भी मुनासिब होती हैं वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं आराम से के पी के पे नज़र डालें तो फाटा यूनिवर्सिटी है हज़ारा यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सवात है इसके अलावा भी तीन चार हैं आप लोग देख सकते हैं सिंध पे भी अगर हम इसी तरह नज़र डालें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है बहरिया यूनिवर्सिटी है उसके अलावा बलोचिस्तान में भी अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में है एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के नाम से वहाँ पे भी सोशियोलॉजी की डिग्री करवाई जाती है उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में भी करवाई जाती है तो आप लोग जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है इस इनकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और इस डिग्री को परफॉर्म कर सकते हैं प्रस्यू कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग ऑब्वियसली जानेंगे कि इसकी ड्यूरेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ड्यूरेशन ऑब्वियसली बैचलर्स करते हैं तो वो फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल आठ सेमेस्टर हैं और ईच सेमेस्टर जो है वो सिक्स मंथ्स का है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके लिए कन्फ्यूज़ होने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है आपने एफ की हो एफ किया हो आई किया हो आई किया हो या कोई भी एकवलन डिग्री टू इंटरमीडिएट आप लोगों ने की हो टू ईर्स की तो आप लोग ईजीली जो है एडमिशन ले सकते हैं अक्सर कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि फ़र्स्ट ईयर के बाद एडमिशन ले सकते हैं तो ऐसा नहीं है आप लोगों को ऑब्वियसली इंटरमीडिएट करना है फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के पेपर्स देने हैं उसको पास करना है फिर ही आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने का मेरा मकसद यही होता है तो ये तो हो गया जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब हम पीसीस की बात करते हैं तो अगर आप लोग ऑब्वियसली किसी पब्लिक जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फ़ीस मुनासिब ही होती हैं ये फीस तीस से चालीस हज़ार पिछले साल थी मगर अब ऑब्वियसली देखें पेट्रोल महंगा हर चीज़ महंगी हो गई है तो फीसिस में भी और फीस स्ट्रक्चर में भी जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं तो ये डिग्री जो है आप लोगों को तीस से पचास हज़ार के दरमियान जो है वो पड़ेगी छः महीने का एक सेमेस्टर होता है आई थिंक इट्स अ गुड डील कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में मुनासिब ही है उसी तरह आप लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो वो आपको सेवेंटी थाउजेंड से नाइन्टी फाइव थाउजेंड के दरमियान पर सेमेस्टर आप लोगों को वो पढ़ सकती है डिग्री और अगर आप लोग पी में जाते हैं और आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड है वहाँ पर आप लोगों को ये डिग्री जो है पच्चीस से पैंतीस हज़ार तक पर सेमेस्टर पड़ेगी मतलब मुनासिब ही पड़ेगी ज़्यादा महंगी नहीं होगी तो ये होगी फी स्ट्रक्चर की बात अब हम लोग मेरिट जानते हैं मेरिट क्राइटेरिया ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट को जानना चाहिए कि आखिर इसका मेरिट क्या होगा तो हम इस डिग्री को डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल पीयू का जो मेरिट था ना इस डिग्री का बहुत हाई हो चुका था क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आ रहे थे और इतने हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने एक मेरिट को जो है ना एक सस्टेनेबिलिटी दे दी कि उन्होंने एक पीक बना दी उसकी और उससे नीचे वाले बच्चे बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं रहा था तो ऑब्वियसली अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा मेरिट की ज़रूरत है पिछले साल इसका 85 परसेंट मेरिट ख़त्म हुआ था मतलब 90 से स्टार्ट हुआ था इसका तो 85 और 80 परसेंट के दरमियान वाले स्टूडेंट्स थे जिनको एडमिशन मिल रहा था मगर आप लोग आ, आ, मायूस ना हो इसका एक एग्रीगेट फार्मूला होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों को एग्रीगेट फार्मूला में जो है वो मैट्रिक के ट्वेंटी मार्क्स काउंट किए जाते हैं और इंटरमीडिएट के 80 परसेंट मार्क्स काउंट किए जाते हैं उसके अलावा अगर आप लोग हाफ कुरान हैं तो 20 मार्क्स आपको उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं और इसके अलावा अगर आपने वन ईयर का कोई जॉब एक्सपीरियंस किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोगों को टेन मार्क्स उसके भी मिलते हैं तो ये टोटल एग्रीगेट फॉर्मूला आप लोगों ने ऐसे बनाना है और इसमें एडमिशन लेना है उसके अलावा अगर हम प्राइवेट में बात करें तो उनको 50 परसेंट मेरिट ही रिक्वायर्ड होता है उसके अलावा वो अपना एक छोटा सा एक एंट्री टेस्ट लेते हैं जिसमें भी आपको भी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी परसेंट मार्क्स ही चाहिए होते हैं और आप लोगों का इजीली एडमिशन जो है वो हो जाता है तो जी अगर हम इसकी मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमें मेजर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो ही हम लोग जो है एडमिशन uh, लेंगे वरना हम नहीं लेंगे तो मैं इसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है आप मेरे पास कुछ आप लोग देख सकते हैं हम लोग हर चीज़ को सोशियोलॉजी के साथ रिलेट करके ही पढ़ते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं सोशल सोशियोलॉजी एंड जेंडर पढ़ते हैं रिसर्च uh, रिसर्च uh, पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च पढ़ते हैं उसके अलावा सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं फंक्शन इंग्लिश और पार्क स्टडीज जैसे मेजर सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं उसके बाद हम सोशियोलॉजी पार्ट वन पार्ट टू का भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सोशल कल्चरल एस्पेक्ट का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इस तरह के तमाम तरह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं वो हम लोग इस डिग्री में पढ़ते हैं अब हम जानते हैं आगे कि ऑब्वियसली अगर हम चार साल एक डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे भी अपना टाइम भी अपनी मेहनत भी अपनी एनर्जी भी तो हमारा फ्यूचर क्या होगा तो मैं बताऊँ कि बहुत अच्छी ऑप्शन हैं आप लोगों के पास सोशियोलॉजी के डिग्री से रिलेटेड जैसे कि आप लोग जो हैं वो किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं सोशल वर्क वर्कर बन सकते हैं रिसर्चर बन सकते हैं टीचिंग का करियर प्रस्यू कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान है जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है किसी भी आ, किसी भी हर हर जगह जो है एचआर की और ह्यूमन रिसोर्स की रिसोर्स के बंदे की ज़रूरत होती है तो आप लोग वो वह, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा आप सोशियोलॉजिस्ट तो बन ही सकते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन सकते हैं सोशल वर्कर आप लोग बन सकते हैं और उसके अलावा आप लोग किसी प्राइवेट एनजीओ में क्योंकि एनजीओस जो हैं बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो सैलरी की देते हैं उनको आ, मतलब उसकी उ, उनको फंडिंग भी होती है और सोशल वर्कर की वैसे भी पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़रूरत है हर डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है हर एनजीओ में तो ख़ास करके इनकी ज़रूरत होती है तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट की भी सोशल वर्कर के तौर पर हेल्प कर सकते हैं तो आप लोगों के पास जॉब्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम लोग बात करें सैलरी पैकेजेस की तो इसके लिए ये है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में काम करते हैं तो आप लोगों को स्टार्ट में आ, स्टार्ट में ही 45 फाइव टू फिफ्टी से स्टार्ट होगी आप लोगों की सैलरी और अच्छी अमाउंट मिलेगी स्पेशली uh, अगर आप लोगों ने चार साल के डिग्री के दौरान ही प्रैक्टिकल uh, वर्क किया है सोशल वर्क किया है एन में इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसके बाद जो है आप लोगों को अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर आप लोग प्राइवेट भी काम करते हैं तो आप लोगों की सैलरी अच्छी होगी स्टार्ट से ही फिफ्टी टू फो फोर्टी फाइव से ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगी फिफ्टी टू सिक्सटी भी मिल सकती है सेम आप लोगों के आ, आ, स्किल्स पे डिपेंड करता है आप लोगों के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो मैं दोबारा आऊँगी एक और ही ऐसी यूज़फुल सी वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़